एशियन क्रिकेट टीम्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम कहें जितनी भी मिले उतनी कहीं ना कहीं कम है, और एशियन गेम्स अभी फिलहाल के तौर पर अगर हम देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एशियड्स के लिए भी यहाँ पर निकल कर ज़रूर आ रही है। अगर हम एशियन टीम्स की सारी टीम्स की बात करें तो जितनी भी एशियन टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है उनके लिए अपने अपने कहीं ना कहीं मायने होंगे इस एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के। लेकिन दो ऐसी टीमें हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस एशियन गेम्स में। जी हाँ, आप सबको कहीं ना कहीं इंतज़ार इस वक्त एशिया कप कंप्लीट हुआ नेपाल के लिए, और हांगकांग ने रिसेंटली जो क्वालिफाई वो नहीं कर पाया, लास्ट उन्होंने प्रीमियर कप खेला था, उसके बाद कहीं ना कहीं अब शायद आपको इंतजार होगा नेक्स्ट एशिया रीजनल फाइनल्स का। लेकिन आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हैं कि एशियन गेम्स भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या, किस तरह से है और क्यों हम ये बात कर रहे हैं और उस पर किस तरह से ग्रैब किया जा सकता है, इसी बारे में वीडियो है। जो कि सबसे ज्यादा मौका जो है वो किसी दो टीम के पास अगर है तो वो है एशियड्स में नेपाल और हांगकांग। इन दोनों की बात हम क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यार सबसे पहले क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी है और क्यों? नहीं, ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले क्या अपॉर्चुनिटी है तो बहुत बेहतरीन है कि एक ही साल में कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का मौका यहाँ मिल रहा है एसोसिएट्स को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हांगकांग जो काफ़ी टाइम से बैठी रहती है, गायब हो जाती है, उसको इन्हीं टूर्नामेंट्स के सहारे वो आप वापस आ पाते हैं, चाहे एशिया कप की क्वालिफायर्स हों या कोई ICC इवेंट्स के क्वालिफायर हो जैसे एशिया रीजनल फाइनल्स वगैरह। लेकिन इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट इंक्लूड हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर ये दोनों टीमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। क्यों खामखा इतनी दूर जा रहा है जब अभी एक टूर्नामेंट आ गया है पास में, इसकी तैयारी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी सब सोच रहे होंगे कि हाँ शायद दो गेम्स खेलकर हमें बाहर होना है, क्या इतनी तैयारी करना, क्या इतनी जद्दोजहद करना, क्या इतना अपना माथा ख़राब करना, अपना दिमाग ख़राब करना इन दो गेम्स के पीछे, खाली क्वार्टर फाइनल में जाके तो हम हार ही जाएंगे। कईयों की सोच शायद यही होगी कि फुल मेंबर से लड़ना है, कहाँ लड़ पाएंगे। बिल्कुल गलत सोच है, बहुत ही गलत सोच है अगर ये ऐसी सोच रख रहे हैं तो। क्यों नहीं ये दोनों टीमें ट्राई करेंगी सेमीफाइनल तक का सफ़र, और क्या पता उसके बाद थर्ड प्लेस यानी कि ब्रॉन्ज के मैच के लिए भी, क्या पता दोनों टीमों में से कोई बेहतरीन खेले और वो ले जाए। ये T20 क्रिकेट है, हमें नहीं पता, बेहतरीन मौका है दोनों के पास। इसका एक रीज़न भी है कि क्यों मौका है नेपाल और हांगकांग जैसी टीमों के पास कि वो कि डेली क्रिकेट भी ये सोचता है कि आखिर सेमीफाइनल में और या थर्ड प्लेस के लिए हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एशियन गेम्स में ज़बरदस्त मौका है इस बार कहीं ना कहीं एसोसिएट्स के इन दो टीमों के लिए। बिल्कुल, वहाँ पर मलेशिया भी ज़रूर है लेकिन डेफिनेटली नेपाल और हांगकांग से हमें ज़्यादा उम्मीदें रहेगी। अब आप सोचेंगे कि टीम्स वहाँ पर बहुत है, क्वार्टर फाइनल में ऑलरेडी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश वहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप एक चीज़ ये भूल रहे हैं कि उस वक्त वर्ल्ड कप भी चलेगा और वार्म अप्स भी शुरू हो चुके होंगे अगर हम देखें वर्ल्ड कप, और उसके बाद तो वहाँ पर जो एशियन गेम्स में जो इनकी टीम्स है वो सबकी सेकेंड स्ट्रिंग टीम है। बिल्कुल, सारी टीमों की, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सबकी जो उनकी जो मेन इलेवन जो स्क्वाड होती है T20 में, मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप में या कोई सीरीज में, वो वहाँ पर नहीं है। उसमें कुछ प्लेयर होंगे लेकिन ज्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं उनकी सेकंड साइड से, किसी की ए साइड से, जैसे पाकिस्तान ने अपनी ए साइड भेजी है, पाकिस्तान साइंस वहां पर भेजी है, उसके बाद बाकी सबकी नेशनल साइड है और उनकी भी नेशनल साइड्स में ही गिनी जाएंगी वो, जो मेंबर्स भेजे हैं वो ज्यादातर वहीं के हैं। तो आप सोचिए उनकी वो सेकंड स्ट्रिंग टीम होने वाली है। अब आप सोचेंगे सेकंड स्ट्रिंग टीम को भी हराना इतना आसान नहीं है, अभी हमने देखा इमर्जिंग एशिया कप में कितना बुरा हाल हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप फिर से बोल रहे हैं और शायद आपको अंदाजा है, हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट, बहुत बड़ा फर्क है। हरा भी देता है तो वो एक शॉकिंग नहीं लगता कि अरे ये क्या हो गया, बिल्कुल समझने लगे कि क्रिकेट में तो होता है। अब देखिए नाइबिया ने एशिया कप चैंपियन को वर्ल्ड कप में मानते हैं, नीदरलैंड्स ने हराया, अभी नीदरलैंड्स ने हराया, उसके बाद UAE ने अभी न्यूजीलैंड को हराया, देखिए न्यूजीलैंड सेकंड स्ट्रिंग साइड थी, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान को भी हराया। तो ये है कि आप तो कोई बड़ी बात नहीं है कि T20 में आप T20 फॉर्मेट में आप ये कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। डेल क्रिकेट का मानना यही है कि नेपाल और हांगकांग में से कम कोई एक या फिर दोनों अगर हो सके तो, हम थोड़े शायद ज़्यादा लालची हो रहे हैं लेकिन फिर भी कम से कम कोई एक सेमीफाइनल तक करा सकते जरूर जरूर। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर आप सिर्फ दो मैच खेले, आप क्वार्टर फाइनल में गए, क्वार्टर फाइनल में हार के आप बाहर हो गए, क्योंकि आपको एक इतना बेहतरीन मौका है। मौके यही तो है, अपॉर्चुनिटीज कोई भी ग्रैब करे, मान के चलिए आप अगर सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं तो सेमीफाइनल में आपको दो मौके मिलेंगे,
अब आप ये सोच रहे होंगे दो मौके कैसे, क्योंकि सेमीफाइनल जब आप खेलेंगे तो सेमीफाइनल में अगर आप जीते तो आपका सिल्वर पक्का हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी मेडल पक्का हो जाएगा, और अगर आप हार भी जाते हैं तो भी आपको थर्ड प्लेस मैच यानी ब्रॉन्ज के मैच के लिए आपको एक और मैच मिलेगा, जहां पर आप दो मैच खेलने वाले थे अब आपको 5 मैचेस हो जाएंगे, जो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी जिसकी जल्दी भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, चाहे वो नेपाल की तरफ से आए या हांगकांग की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, एक छोटी सी बात यहाँ है, आप लोगों को लग रहा होगा कितना आसान नहीं है, बैठ कर बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत कॉमन लाइन हो गई है आजकल कई सालों से, लेकिन अब जरा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखता हूँ। मान के चलिए अफगानिस्तान की टीम जो UAE के खिलाफ खेली थी, वहाँ से आप वहाँ पर सब थे, राशिद, मुजीब, नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज, ये चारों प्लेयर थे वहाँ पर, टॉप के प्लेयर हैं T20 में, बहुत ज़बरदस्त हैं। अब सोचिए ये चारों प्लेयर एशियन गेम्स में नहीं है, तो क्या काम आसान नहीं हुआ? बिल्कुल। अब फिर मैं बात करते हैं पाकिस्तान की टीम को ले लीजिए, शाहीन अफरीदी, नसीम, हारिस रऊफ, बाबर आजम, रिजवान, ये नहीं है उस पाकिस्तान शाहीन्स में, क्या आसान नहीं होगा? इंडिया में रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपके सूर्य कुमार यादव, ये सब प्लेयर वहाँ है नहीं, कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, तो क्या ये आसान नहीं हुआ? श्रीलंका में वरुण हसरंगा, जो इतने टॉप के प्लेयर चल रहे हैं इस वक्त, दीक्षाना नहीं है, आप बताइए आप, तो क्या ये आसान नहीं हुआ? बिल्कुल, तो ऐसा क्या आसान होगा? जबकि T20 में तो इनके रहते हुए प्लेयर टीमों ने हराया हुआ इन प्लेयरों के रहते हुए, तो सोचिए ये प्लेयर तो है ही नहीं एशियन गेम्स में, तो क्यों नहीं नेपाल और हांगकांग सेमीफाइनल को, इन दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों सेमीफाइनल को आखिर क्यों नहीं टारगेट कर सकते? ये रीजन तो वाकई में खुला हुआ है कि हाँ यार हम कर तो जरूर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते? बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसीलिए डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए, डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्रिपरेशन जरूर होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। जापान, अगर नेपाल की बात करें तो जापान और कंबोडिया, उनसे उन्हें खेलना है, तो मुझे लगता नहीं कि शायद इतनी कोई दिक्कत आएगी। बाकी कंबोडिया के खिलाफ अगर देखना पड़ेगा क्या होगा, वो कंबोडिया की जो है वो ये हुआ था, पिछले हमारे साथ कहीं ना कहीं कंप्लेन किया था कि बाहर से नहीं प्लेयर्स वो सब चीजें होती है, तो फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन एट द एंड अगर आप वैसे देखेंगे कि बेस पर डेफिनेटली दोनों मैचेस में नेपाल फेवरेट्स होंगी, यहाँ पर कोई जरा नहीं, क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंच सकती है। उसके बाद हांगकांग की बात करें तो उनका मैच सिंगापुर और थाईलैंड से होगा, मुझे लगता है उनकी थोड़ी बहुत, सिंगापुर ही थाईलैंड वुमेन्स की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हांगकांग ने हराया था एशिया कप, सिंगापुर को, जी आपने सही कहा, कुवैत से भी मैच हुआ था उनका, तो यहाँ पर भी हांगकांग फेवरेट्स है क्वार्टर तक पहुंचने के लिए, लेकिन वहां के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। इसीलिए क्रिकेट जरूर अपील करना चाहेगा कि ये क्रिकेट बोर्डों से दोनों ही कि प्लीज इस चीज को मिस आउट मत करिए, हांगकांग एक सीरीज जरूर खेल चुका है मलेशिया और PNG से, वो कितनी इफेक्टिव होगी उनके खिलाफ खेले, लेकिन फिर भी कम से कम वो बैठे हुए थे तो उनके लिए बहुत जरूरी है T20 का फ्लो, वहीं पर नेपाल डेफिनेटली वो बैठे हुए बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फॉर्मेट वो अलग था, बिल्कुल पूरे एक साल उन्होंने अब तक जितने भी खेला लगातार 50 ओवर खेला है, वो टेम्परामेंट रहा है, तो कम से कम एक अगर 2-3 मैचों की कोई सीरीज हो जाती उससे एशियन गेम्स से पहले, ताकि जी हाँ आपका रीजन बहुत अवेलेबल है, आप इसे समझाएंगे? नहीं जरूर, बिल्कुल, देखिए कुछ प्लेयर्स हैं और कुछ से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक या दो प्लेयर्स हैं जिनको एशियन गेम्स के लिए नेपाल में स्क्वाड में लिया गया है, क्योंकि T20 आई है तो अलग से कुछ प्लेयर्स भी आए हैं, तो आखिर उनका क्या, खाली ट्रेनिंग करना और मैच खेलने में बहुत फर्क होता है, ट्रेनिंग ही अगर सब कुछ होता तो फिर कई कई टीमें क्या क्या कर चुकी होती अब तक, ट्रेनिंग तो बहुत सारी टीमें करती है, लेकिन उन प्लेयर्स के लिए खासकर और इन प्लेयर्स के लिए भी जो 50 ओवर खेल के आए हैं, T20 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तेज अपना बल्ला घुमाना पड़ेगा, रन निकालने होंगे जो कि उन्हें मालूम है ऐसा नहीं है, लेकिन खासकर वो प्लेयर्स जो इनमें इंक्लूड किए गए हैं नेपाल की स्क्वाड में एशियन गेम्स के लिए, जो ट्रेनिंग करने के लिए भी गए थे बैंगलोर वगैरह में, आखिर उनका क्या, उनके मैचेस के लिए क्या, उनके प्रिपरेशन के लिए क्या, क्योंकि ये टीम गेम कमल एरी है, अविनाश बोरा है, और भी सारे प्लेयर्स, बिल्कुल सही कहा आपने, और फिर आपके प्लेयर भी आ जाते हैं जो अभी एशिया कप खेल के आए हैं, उनको भी T20 में ट्रांसफर होने के लिए थोड़ा सा अपनी बॉडी, अपना फिजिक, अपना मेंटेलिटी सब ट्रांसफर करना होगा T20 मोड। बिल्कुल, इसने पहले कहा कि दिक्कत जापान कंबोडिया के खिलाफ इतनी नहीं है, उसके बाद भी आपका गोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एशियन गेम्स क्रिकेट में, जबकि सब अपनी अपनी एक साइड सेकंड स्ट्रिंग टीम उनकी आ रही है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या शानदार मौका है कि आप कम से कम सेमीफाइनल तक का रास्ता तय कर क्यों ना ब्रॉन्ज के लिए ट्राई करें, मिनिमम ब्रॉन्ज के लिए ट्राई करें, फिर तो एट द एंड अगर आप जितना ऊपर जा सके उतना बेहतर होगा, तो एक प्रिपरेशन सीरीज उससे पहले जरूर होनी चाहिए नेपाल के लिए भी, हांगकांग जरूर एक सीरीज करा रहा है, नेपाल में अगर कुछ एक आध सीरीज वहां पर कराए तो एक प्लेयर्स जो है रिदम में आएंगे, और खास करके जो आयन ने कहा कि जो प्लेयर्स काफी वक्त से बैठे हुए हैं जो, लेकिन उन्होंने T20 एशियन गेम्स स्क्वाड में लिया गया है, उनके लिए भी तो कुछ मैचेस होने चाहिए ताकि वो प्रेप मोड
कोर्ट पे आ सके, अब किसी रीजनल में जाकर खेलना और एक खेलना एक फर्क होता है, तो आप समझते हैं एक कम से कम प्रिपरेशन सीरीज हो तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन नेपाल और हांगकांग डेफिनेटली इन दोनों से बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी डेविड ग्रेटी की एशियन गेम्स में, ये सिर्फ दो मैचेस खेलकर अपने क्वार्टर फाइनल में आकर बाहर ना आकर कुछ बेहतरीन और बड़ा करके दिखाए, अपना गोल बड़ा रखे, अपना इरादा जो है वो बड़ा रखे और कम से कम मिनिमम सेमीफाइनल तक का रास्ता तय करे, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने गवाया नहीं। क्योंकि याद रखिए सबसे पहले कि उन टीम्स की जिनसे आप भिड़ने जा रहे हैं फिल्म में वो उनकी सबकी सेकंड साइड है, और दूसरी चीज ये T20 फॉर्मेट है जहां पर कई सारे आपने अपसेट जो इसी साल देख लिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और उम्मीद रहेगी कि दोनों ही बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और कम से कम सेमीफाइनल तक का रास्ता जरूर तय करेंगे। मलेशिया से भी हमें उम्मीद होती है, लेकिन मलेशिया को हमने देखा कि जब एक क्रूशियल बड़े मोमेंट्स पे वो कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आते हैं, और मलेशिया एट द एंड आज भी आप माने ना माने अपने टॉप टू बैट्समैन पे ही निर्भर ज्यादा रहता है। जब मैच जीतने की बात हो तो वो कहीं ना कहीं लैक है, बहुत लैक डिपार्टमेंट लैक हो जाते हैं, तो वो भी शायद शुरू के मैच जीते लेकिन फिर वो क्वार्टर फाइनल्स में ज्यादा उम्मीद हमें होंगी, लेकिन नेपाल और हांगकांग से उम्मीदें बड़ी रहेंगी कि कम से कम मिनिमम सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचने की कोशिश। उसके लिए एक प्रिपरेशन मैच जरूर होना चाहिए, फर्स्ट राउंड के लिए जरूरत नहीं है लेकिन उसके बाद क्वार्टर्स के लिए डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर। बाय बाय।